अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिश मेन्यू। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इस गर्मी के मौसम में प्यास की शिद्दत को कम करने के लिए आड़ू के शरबत की रेसिपी, जो कि बहुत ही सिंपल एंड ईजी है। रेसिपी को स्किप किए बिना कंप्लीट वॉच कीजिएगा। शुरू करते हैं आज की हमारी ये रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने आधा किलो आड़ू ले लिए हैं। अब हमें इसे इस तरह से कटिंग कर लेना है। कटिंग करते वक्त हमने इसका छिलका नहीं उतारना है। विटामिन सी से भरपूर ये बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग और हेल्दी हमारी ड्रिंक बनके तैयार होगी। अगर आप इसका छिलका उतार देते हैं तो ये इतना हेल्दी नहीं रहता है। अब हम इसे इस तरह से क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से हमने तमाम पीसेस को क्यूब्स में कटिंग कर लेना है। अब हम इसे शामिल कर देंगे जूसर के जग में। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे पानी, या हम आधा जग इसमें पानी शामिल करेंगे। जूसर को ऑन करके हमने इसे 1 से 2 मिनट के लिए ग्लेंडर कर लेना है। पीछे से हमारे ब्लेंडर हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब हम एक स्टेनर लेंगे और हमने इसे इसी बर्तन में छान लेना है जिसमें हम इसे कुक करेंगे। आपने इसे अच्छी तरह से छान लेना है ताकि इसका सारा पल्प निकल जाए। अब हमने फ्लेम को ऑन करके इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। इसे पकाते वक्त आपने चम्मच को कंटिन्यू चलाते रहना है। इसे हम हाई फ्लेम पे 1 उबाल आने तक पका लेंगे। जैसे ही इसमें उबाल आएगा, इस तरह से इसमें झाग आना शुरू हो जाएंगे। इसे आपने चम्मच की मदद से उतार लेना है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी, या हम इसमें 1 कप चीनी शामिल करेंगे। चीनी शामिल कर देने के बाद आपने इसे इतनी देर तक पकाना है जब तक कि चीनी इसमें अच्छी तरह से नहीं घुल जाती। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून काला नमक। काला नमक इसमें ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे इसका टेस्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। नमक शामिल कर देने के बाद हमने फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे रूम टेम्परेचर पे अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। अब एक बाउल में शामिल कर देंगे आइस क्यूब और इसमें डाल देंगे आड़ू का शरबत। साथ ही हमने इसमें मज़ीद पानी शामिल कर देना है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रिफ्रेशिंग हमारा आड़ू का शरबत बनकर तैयार है। गर्मी के इस मौसम में आड़ू के शरबत की यह रेसिपी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे और बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। कैसी लगी आपको आज की हमारी ये रेसिपी, हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ।